हाँ जी, 10th क्लास बेटा, हुन करते हैं अपन नेक्स्ट 8th सम। स्टेटमेंट है, इन फिगर ओ इज़ अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रीएंगल ए बी सी। अपन ने के फिगर दिती हुई है कि जोड़ा ओ है वो इंटीरियर एक अंदर पॉइंट बनया हुआ पॉइंट है कि ट्रीएंगल दे ए बी सी दे, तो जिद्द आपू गिवन है कि ओ डी जोड़ा परपेंडिकुलर है कि बी सी दे। ओ डी यानी इतने आऊगा डी पॉइंट, ओ ई इज़ अ परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ए सी दे बनया हुआ ओ ई यानी कि ई इतने पॉइंट आ जूगा, एंड ओ एफ इज़ अ परपेंडिकुलर ऑन ए बी यानी इतने पॉइंट की आ जूगा एफ। ठीक है, तो आपने प्रूफ की करना, दो रिजल्ट प्रूफ करने ने आपने। फर्स्ट वन है ओ ए स्केयर, ओ ए स्केयर प्लस ओ बी स्केयर प्लस ओ सी स्केयर माइनस ओ डी स्केयर माइनस ओ ई स्केयर माइनस ओ एफ स्केयर इक्वल कि ए एफ स्केयर प्लस बी डी स्केयर प्लस सी ई स्केयर। हुण आपां ने प्रूफ दे विच ओ ए चाहिए, सो उहदे वास्ते आपां की करते हैं ए ते ओ नूं की कर दिंदे आ ज्वाइन, ते इसे तरह ओ बी चाहिए ते ओ ते बी नूं ज्वाइन कर दिंदे आ, ते ओ सी चाहिए सो आपां ओ ते सी नूं की कर दिंदे आ ज्वाइन कर दिंदे। तो आपां नूं एक चीज़ पता है परपेंडिकुलर जी 90 दा मतलब ए वी 90 है, तो इस तरह इधर ए वी 90 है, तो इस तरह इधर ए वी 90 है। हुण जिहड़ी जिहड़ी चीज़ गिवन है आपां उहनूं पहलां लिख लवांगे। ठीक है, गिवन ट्रीएंगल ए बी सी, राइट, जिद ते ओ डी परपेंडिकुलर है बी सी ते और ओ ई परपेंडिकुलर है ए सी ते और ओ एफ परपेंडिकुलर है ए बी ते, राइट बेटा। तो नाल दी नाल आपां ने हुण जो प्रूफ करना है या कंसट्रक्ट किते, पहला कंसट्रक्शन लिख लैने आपां, जो जो भी आपां कंसट्रक्ट किया आपां किया ज्वाइन किनू किनू कर दिता आपां, ए ओ ओ सी एंड ओ बी। ठीक है, इन्हों आपने ज्वाइन कर दिया क्योंकि आप जो रिजल्ट प्रूफ करना वो सू चीज़ा चाहिए ने। हूँ आपने प्रूफ की करना है, पहला फर्स्ट पार्ट लिख लें फिर आप यूज करके सैकेंड पार्ट जोड़ा है वो प्रूफ करा, जो भी आपको चाहिए प्रूफ के आप एज इट लिख लवेंगे। इक्वल कि आना चाहिए ए एफ स्केयर प्लस बी डी स्केयर प्लस सी ई स्केयर, ये आपने प्रूफ करना। हूँ देखो जोड़ा प्रूफ करना सू साइड चाहिए आ ए एफ बी डी ते सी ई, राइट, इहदा मतलब असी केड़ी केड़ी ट्रीएंगल लवांगे जिस जिस सानू ए एफ चाहिए, यानी कि ए एफ आ वाली ट्रीएंगल ला लेंगे एक आप, राइट। दूसरे नंबर पर बी डी चाहिए अपन, यानी कि असी ए वाली ट्रीएंगल ले लवेंगे एक, ओके। तो दूसरे नंबर पर सानू चाहिए सी ई, यानी कि आप ओ सी ई आ वाली ट्रीएंगल ले लेंगे, असी ये तीनों जड़ियाँ ट्रीएंगल्स आ लैके चलेंगे। ठीक है, इधर सानू की चाहिए ए एफ बी डी ते सी ई, ठीक है, ए नहीं ए वाली तीनों। हुण फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्रीएंगल अप्लाई करते हैं इन ट्रीएंगल ए ओ ई, याद रखो जो जो चाहिए आपते अप्लाई करा, तो आपको पता है 90 डिग्री है, 90 के ऑपोजिट जी भी साइड है दैट इज़ परपेंडिकुलर, यानी कि इतने परपेंडिकुलर आऊगा साडा ए ओ स्केयर, ओ आपू ए एफ चाहिए सॉरी, सो आप ए ओ एफ लवेंगे, ए लवेंगे ए नहीं लवेंगे, ठीक है, सॉरी बेटा, आपां की चाहिए सी ए एफ, इसलिए आप ए एफ लवेंगे। तो ए 90 डिग्री का एंगल बन रहा, सो ये ऑपोजिट की बनूगा अपने को परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, सो अपने को आ गया ए ओ स्केयर इक्वल टू कि आजगा परपेंडिकुलर, यानी कि ए एफ स्केयर प्लस की आ गया अपने को ओ एफ स्केयर, राइट। सो ये आ गया साडा नंबर वन। ये कितों लिया आपने, की यूज़ किया आप, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्यूरम, नाल ही यदा रीज़न जरूर दस देना आपने कि ए वैल्यू आप कितों ली है, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्यूरम। तो हूँ अगली ट्रीएंगल आप टिक की सी जिद ए एफ चो मिल के, हूँ आपको बी डी चाहिए, यानी कि ए वाली ट्रीएंगल आप लेके चलेंगे, यानी ए बी ओ डी बी ओ डी बी। तो इधर 90 डिग्री ए है, दैट मीनस परपेंडिकुलर दे ऑपोजिट हाइपोटीन्यूज, यानी कि ओ बी स्केयर, ओ बी स्केयर इक्वल कि आजगा अपने को ओ डी स्केयर प्लस बी डी स्केयर, इनू दे देने नंबर दो। रीज़न एदा भी यही आऊगा कितों आप लिया है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्यूरम, तुसी प्रॉपरली पूरा रीज़न दे देना है। हुण अगली आप ट्रीएंगल, आपां पता है ए ओ हो गया बी डी हो गया ए एफ बी डी, हुण जाना चाहिए सी ई, यानी कि असी ए वाली ट्रीएंगल लेके चलेंगे, कि ट्रीएंगल ओ सी ई, ठीक है, फिर ये परपेंडिकुलर है अपने को 90 डिग्री एंगल, ये ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, यानी कि ओ सी स्केयर, ओ सी स्केयर इज इक्वल टू कि आजगा ओ ई स्केयर प्लस की आ गया ई सी स्केयर, ए की आ गया नंबर थ्री। रीज़न सेम यदा भी, दैट इज़ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हूँ देखो जोड़ा आपने रिजल्ट प्रूफ करना, वो ओ ए स्केयर ओ बी स्केयर ओ सी स्केयर तीनों वैल्यूज़ की हो रही ने प्लस, दैट मीनस असं इन्हों भी की कर देवे प्लस बाय एडिंग नंबर वन टू एंड थ्री।
तीनों प्लस कर देंगे, ए ओ स्केयर प्लस ओ बी स्केयर प्लस की आ गया ओ सी स्केयर इक्वल टू कहते आ रहा बेटा जी, ए ओ के इक्वल है ए एफ स्केयर प्लस ओ एफ स्केयर प्लस अगेन ओ बी वाली टर्म दैट इज ओ डी स्केयर प्लस बी डी स्केयर प्लस ओ सी वाली टर्म दैट इज ओ ई स्केयर प्लस ई सी स्केयर। क्लीयर बेटा? हूँ देखो ये तो आपको एज इट इस तरह ही चाहिए ने, ए ओ की जगह ओ ए चाहिए, मैं ओ ए लिख रही हूँ। नैक्सट ओ बी स्केयर प्लस की चाहिए ओ सी स्केयर। नैक्सट देखो बेटा सूँ ओ डी चाहिए, तो ओ डी इधर की हो रहा प्लस हो रहा, इन इधर लैके आवेंगे कहदा हो जूगा माइनस का। हूँ की चाहिए अपन ओ ई, तो ओ ई भी इधर प्लस हो रहा, इन इधर ले आवेंगे की हो जूगा माइनस। दैन अपन चाहिए ओ एफ, तो ओ एफ भी इधर प्लस हो रहा, इधर आके की हो जूगा माइनस। सो इधर की बच गया ए एफ स्केयर प्लस बी डी स्केयर प्लस ई सी स्केयर आ गया जो रिजल्ट प्रूफ करना सी। सो फस्ट पार्ट साडा की हो गया प्रूफड। ठीक है बेटा जी, हूँ आप सैकेंड पार्ट प्रूफ करांगे। सैकेंड पार्ट आपने की प्रूफ करना वा कि ए एफ स्केयर प्लस बी डी स्केयर प्लस सी ई स्केयर इक्वल कि आना चाहिए ए ई स्केयर प्लस सी डी स्केयर प्लस बी एफ स्केयर। देखो बेटा जरा जो आप फस्ट पार्ट प्रूफ किया, देखो फस्ट पार्ट असी आ चीज़ का प्रूफ कर ली है ए एफ स्केयर बी डी स्केयर सी ई स्केयर, राइट ना। यदा मतलब असी किस ना किस तरह यदी जगह पर लाइक सानू मतलब ए ई स्केयर सी ई स्केयर सी डी स्केयर तो बी एफ स्केयर चाहिए, यानी यदी जगह पर असी आ चीज़ लिखना चाहते हैं, यद जगह पर यह चीज़ आनी चाहिए क्योंकि यह तो दोनों साइड्स की ने इक्वल ने, राइट। तो हूँ आपने जिस तरह अगे असी पहला ए एफ बी डी सी ई कंसीडर किया, हूँ असी ए ई सी डी बी एफ कंसीडर करके की लवेंगे ट्रीएंगल्स लवेंगे। ठीक है, क्योंकि लगानी आप पाइथागोरस थ्योरम ही है, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही ने। हूँ आपको चाहिए कि है बेटा जी ए ई, ए ई चाहिए, ए ई चाहिए, यानी कि असी आ वाली ट्रेंगल लवेंगे ए ई ओ। ठीक है, मैं पहला वाले टिक लगाई सी, हूँ वाले आप डॉट लगा लें ए ई ओ। नैक्सट अपन चाहिए सी डी, सी डी अपन कितने मिल रहा, इतने मिल रहा, यानी कि असी आ वाला ट्रेंगल लवेंगे दैट इज़ ओ डी सी। क्लीयर, नैक्सट अपन चाहिए बी एफ, तो बी एफ अपन इस ट्रेंगल मिल रहा, यानी कि असी आ वाली ट्रेंगल लवेंगे। क्लीयर, इस तरह मार्क कर लियो ताकि कोई गड़बड़ नहीं होंगी, जो जो चाहिए सानू नज़र आ रहा, तो उही उही ट्रीएंगल्स आप कर लवेंगे मार्क कर लेंगे, क्योंकि अगर ट्रीएंगल सही मार्क हो गई तो पाइथागोरस अप्लाई करनी थोनों आती है। ठीक है बेटा जी, सो हूँ सैकेंड पार्ट लिए सब तो पहले आप लैने ट्रीएंगल ए ई ओ, तो आप मिलता पाया 90 डिग्री इधर है, सो दैट मीनस की आजूगा परपेंडिकुलर द ऑपोजिट हाइपोटेनस, यानी कि ए ओ स्केयर, ए ओ स्केयर इज इक्वल टू कि आजूगा बेटा जी ए ई स्केयर प्लस की आजूगा ओ ई स्केयर दे, बट सानू वैल्यू ए ई दी चाहिए है। सो आपां इच्चों ए ई दी वैल्यू निकाल लेंगे, वो की आजूगी ए ओ स्केयर एज इट, ओ ई स्केयर इधर आके कहदा हो जूगा माइनस का, इक्वल टू की आ गया ए ई स्केयर। क्लीयर, इहदा रीज़न आपां दस देंगे आप बाय यूजिंग किहड़ा थ्यूरम, पाइथागोरस थ्यूरम, इन्हों आप दे देने नंबर फोर, क्योंकि थ्री तक नंबर आ गए हैं। हूँ आप नैक्सट ट्रीएंगल जी यूज़ करा ए वाली ट्रीएंगल, क्योंकि आप पहले मार्क कर लिया दैट इज़ बी ओ ई, बी ओ ई हूँ ये भी 90 डिग्री है, यानी कि हाइपोटीन्यूज ओ बी, ओ बी स्केयर इक्वल टू कि आजूगा बेटा जी ओ बी स्केयर इज इक्वल टू ओ एफ स्केयर प्लस आ गया अपने को बी एफ स्केयर। वैल्यू इतने भी सानू कि चाहिए आ, आपने ये प्रूफ करना बी एफ की वैल्यू चाहिए है, सो बी एफ की वैल्यू निकाल लें आप, ओ बी स्केयर माइनस ओ एफ स्केयर इक्वल टू क्या आ गया साढ़े को बी एफ स्केयर, एक ही आ गया नंबर साढ़ा फाइव। ठीक है, हूँ इस तरह ही थर्ड ट्रीएंगल जो बच गया उन्होंने कंसीडर करते हैं दैट इज़ ए वाला ट्रीएंगल, क्योंकि सानू ची चाहिए आ सी डी चाहिए आ। ठीक है, सो इन ट्रीएंगल ओ डी सी, फिर परपेंडिकुलर के अपोजिट हाइपोटीन्यूज, यानी कि ओ सी स्केयर, ओ सी स्केयर इक्वल कि आजूगा बेटा जी ओ डी स्केयर प्लस डी सी स्केयर। वैल्यू फिर सानू चाहिए है सी डी की, सो आप सी डी की वैल्यू निकाल लेंगे, ए डी इधर आके माइनस हो गया, डी सी आप लिख सकते हैं सी डी, यानी ये नंबर की आ गया सिक्स। ठीक है, सो हूँ आप जो वैल्यू पहला प्रूव की आ ना उन्हू लैके चलेंगे, पहला असी प्रूव की कर चुके हैं नंबर वन जोड़ा आप प्रूव किया लैके चलते हैं, उस कि ए एफ स्केयर प्लस बी डी स्केयर प्लस सी ई स्केयर इक्वल कि साढ़े को ओ ए स्केयर प्लस ओ बी स्केयर प्लस ओ सी स्केयर माइनस ओ डी स्केयर माइनस ओ ई स्केयर माइनस ओ एफ स्केयर। ठीक है, ये आप प्रूवड कर चुके हैं, प्रूवड इन इनू आप नंबर की दे दें, इतने आपने प्रूवड किया है, सो इनू आप कुछ भी मार्क दे दें लाइक रोमन च वन दे दें फ्रॉम वन।
ठीक है। हुण आपां नूं आ चीज़, क्योंकि असी यही रिजल्ट प्रूफ करना, सानू सिर्फ आ चाहिए दी जगह ते ए एफ बी डी ते सी ई हैगा आ, सानू ए ई सी डी ते बी एफ चाहिए प्रूफ करन लई। सो आपां जो वैल्यूज़ निकालियां उन्हां नूं यूज़ करके आपां इन्हां दीआं वैल्यूज़ की आ लिख लवांगे। हुण देखो, सब तो पहला सानू चाहिए वा प्रूफ दे विच ए ई, ते ए ई किहदे इक्वल आ, ए ओ माइनस ओ ई, साडे कोल आ रहा ए ओ ते ओ ई। अगर असी इन्हां दोनों नूं इकट्ठे कर दईए, माइनस दे ही आ रहे अपने को, ए एफ स्केयर प्लस बी डी स्केयर प्लस की आ गया सी ई स्केयर। अगर आप लिख दिए ए ओ स्केयर माइनस ओ ई स्केयर, इन्हों इकट्ठे कर दिए तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, राइट। हूँ प्लस सानू नैक्सट नंबर पर चाहिए सी डी, तो सी डी की वैल्यू कि इक्वल है ओ सी माइनस ओ डी, तो आ रहा साढ़े को ओ सी, आ रहा साढ़े को ओ डी। अगर असं इन्हों इस तरह लिख दिए ओ सी स्केयर माइनस ओ डी स्केयर इकट्ठे करके ब्रैकेट, कोई फर्क थोड़ी ना पैंता, राइट ना। दैन प्लस थर्ड तो सानू की चाहिए बेटा जी, बी एफ, तो बी एफ की वैल्यू कहते इक्वल आ ओ बी माइनस ओ एफ, तो आ रहा साढ़े को ओ बी तो ओ एफ। अगर असं इन इस तरह लिख दिए ओ बी स्केयर माइनस ओ एफ स्केयर, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। हूँ आप लिख सकते हैं फ्रॉम फोर फाइव एंड सिक्स, फोर फाइव सिक्स तो आपां नूं की पता चल रहा, मेरी कोशिश सी भी इसे पेपर ते सम खत्म हो जाए ताकि थोड़ा सामने सामने सब कुछ नज़र आ जाए, है ना। तो ए एफ स्केयर बी एफ स्केयर सी बी डी स्केयर प्लस सी ई स्केयर, फोर तो आप पता चल रहा यह वैल्यू पूरी कि इक्वल आ ए ई स्केयर दे, सो इस जगह पर लिख दें आप ए ई स्केयर, तो ओ सी स्केयर माइनस ओ डी स्केयर कि इक्वल आ सी डी स्केयर, यानी इस जगह पर आप लिख दें सी डी स्केयर प्लस ओ सी माइनस ओ एफ ओ बी माइनस ओ एफ ओ बी माइनस ओ एफ कि इक्वल आ बी एफ स्केयर दे। सो जो रिजल्ट चाहिए सी वो आपू मिल गया। सो आप लिख सकते हैं ए एफ स्केयर प्लस बी डी स्केयर प्लस सी ई स्केयर इज इक्वल टू कि आजगा ए ई स्केयर प्लस सी डी स्केयर प्लस बी एफ स्केयर, हैंस रिजल्ट इज प्रूव्ड। ठीक है बेटा जी, सम ईजी बहुत ने, बस थोड़े लेंथी ने, कंसैप्ट समझ के चलना कि कीड़ी ट्रीएंगल आपने यूज़ करनी है, अप्लाई सिर्फ तो सिर्फ पाइथागोरस ही करनी है आपने। ठीक है बेटा जी।